बैग स्किटल से बेहतर और क्या हो सकता था? एक बहुत ही बड़ा बैग स्किटल्स का। वाओ! एक इतना बड़ा बैग जिसमें पुल को भरने जितना कैंडी हो। क्या आप भी इसी के सपने देखते हैं? आज सपने सच में सच हो रहे हैं। आइए देखिए कि एक स्किटल्स के पुल में तैरना कितना मजेदार हो सकता है। सूजी तो अभी बहुत मजे कर रही है। कोई भी जो उसके जितना खुश हो उससे तो ईर्ष्या हर किसी को होने लगती है। और यह भावना बनी रहे अगर किसी ने कूद कर सब कुछ बर्बाद करने का फैसला नहीं किया होता। कैंडी से भरी हुई पूल। एंडी तो यह मौका कभी नहीं गवाता। लेकिन अफसोस है कि वो मजा कम ही देर तक ले पाएगा। यह पुल सिर्फ लड़कियों के लिए है। लगता है कि यह संकेत उसे डराने वाला नहीं है। सूजी जितना चाहे उसे घूर सकती है लेकिन वह कहीं नहीं जा रहा। अब सच में समय आ गया है अपने हथियार को निकालने का। अगर एंडी को एक मुश्किल तरीका अपनाना है तो सूजी खुशी खुशी करेगी। ध्यान देना एंडी, अपने आप को बचाना चाहते हो तो भागो। सूजी ने तो आसानी से छुटकारा पा लिया। उसके साथ तो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अब वह आराम कर सकती है। एमा को इस बारे में पता चल गया है और वह अंदर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। रुको, क्या सूजी ने वास्तव में अपने विश्राम स्टेशन को छोड़ दिया है? शायद एमा भाग्यशाली है और पूरा पुल उसके लिए है। सूजी अभी भी वहीं पर है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये दोनों एक बात पर सहमत हो सकती हैं। सूजी जितनी दिखती है उतनी लालची नहीं है। एमा अंदर आ जाओ, सूजी को कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम सही बात है कि अगर कोई साथ हो तो अकेले से ज्यादा मजा आता है। अब यह कौन है? फिर से एंडी? क्या उसे सच में लगा था कि नियम अभी बदल गए होंगे? ये लड़कियां आज मतलबी हो गई हैं। लड़कों को अनुमति नहीं है। बस बेचारा एंडी, सूजी ने तो उसे सीधा नाक से ही पकड़ लिया। उसे तो चोट लगी ही होगी। वह निराश है लेकिन उसकी नाक टूटी नहीं है और वह दोबारा खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इधर तो मजा अभी शुरू ही हुआ है। इस तरह के सेटअप के साथ मनोरंजक होने के तरीके कभी खत्म नहीं होंगे। ओह, और स्पष्ट रूप से बहुत सारे लोग इधर आना चाहते हैं। और वह है कोई नया है? एमा और सूजी इसे नहीं जानते लेकिन अच्छी लग रही है। थोड़ी तो अजीब लड़की है लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं। अरे, लगता है किसी ने स्विमिंग सूट पहनने से पहले शेव करना भूल गया। वह? ओह, अब समझ आ गया। और लड़कियों को भी समझ आ गया कि यहाँ क्या चल रहा है। खैर, इस तरह की परिस्थितियों के लिए वैक्स स्ट्रिप। अब हम जल्दी पता लगाने वाले हैं कि उस हैट के नीचे कौन है। तीन की गिनती पर। हाँ, केवल अनुभवी लड़कियां ही इस तरह के दर्द को बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन एंडी को तो ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है। बाय बाय दोस्त, लेकिन तुम अपना प्यारा विग भूल गए हो। एंडी भाग जाता है अपने सारे प्रॉप्स को भूलकर। मैं दोबारा कहती हूँ, यह पुल केवल लड़कियों के लिए है। एक कैंडी से भरे हुए पूल के आसपास जो आराम कर रहे हो उसके लिए एकदम सही ट्रीट है आइसक्रीम। और यह बात लड़कियां अच्छे से जानती हैं। और जब वह पूल में घुसने ही वाली थी उन्हें दिखा एक शार्क। कितना भयानक।
वह जितना भाग सकती थी उतना तेज भाग गई और उन्हें समझ में नहीं आया कि वह एंडी की एक मजाक थी। और अब नियमों को बदलने का समय, वह निशान अब जा सकता है और आइसक्रीम जाएगा एंडी के पास। क्या आज कुछ है एंडी? दोनों दोस्त वापस आ गए हैं। थोड़ा धीरे बोलो, सारी मछलियां भाग जाएंगी। अब अगर आए हो तो इन नियमों का बदलाव जरा देख लो। इससे सूजी रुकने वाली नहीं है, एक मिनट के लिए भी नहीं। मछली पकड़ना बहुत बढ़िया है बात है, वह यह करने के लिए तैयार है। और वह एंडी को भी दिखाएगी कि उसे कैसे करते हैं। देखो, उसने तो इतनी जल्दी एक गमी मछली पकड़ ली है और अब तक एंडी को कुछ नहीं मिला है। ओह, सूजी को एक और मछली मिल गई और वह उसने अपने दोस्त को दे दिया। लगता है कि वह पूरे पुल को जल्द ही खाली कर देगी। क्या एंडी, तुम्हें बुरा लग रहा है कि एक लड़की तुमसे ज्यादा बेहतर है? ओह, एक तीसरा? सच में? एंडी का दिमाग तो अब सच में खराब हो जाएगा। उसे लगा कि वह आसानी से सूजी को हरा देगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। शायद मैंने कुछ जल्दी ही कर दिया, कुछ तो मिला है उसे। चलो खींचो। अरे वह देखो, लड़कियां उसकी मदद करो, एंडी उसे संभाल नहीं पा रहा है। कितना मजबूत, और भागने की कोशिश कर रहा है और सीधा सूजी को चेहरे पर चोट लगी। एमा को खुशी हो रही है कि वो उधर नहीं बैठी थी जिधर सूजी थी। यह अब लड़कियों के लिए मजेदार नहीं है और अब वो जा रही है, लेकिन एंडी खुश है, पुल फिर से उसका हो गया। एंडी को अपने प्राइस को खोने का जोखिम नहीं उठाना था, इसलिए उसने पूरी रात पूल में बिताई। जोड़ी खुश है कि वह स्थिति का फायदा उठा सकती है। एंडी, क्या तुम्हें पता था कि अगर तुम ज्यादा स्किटल्स खाओगे तो तुम्हें दाने हो जाएंगे? यह सच्ची कहानी है, थोड़ी थोड़ी। कम से कम लड़कियां ऐसा तो कर रही हैं। ओह, वो उठ रहा है, छुप जाओ तुम दोनों। मैं बहुत अच्छे से सोया। अरे, ये मुझे क्या हुआ? मुझे खुजली हो रही है। आह, मुझे लगता है ये कोई एलर्जी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। यह तो इस जाल में आसानी से फंस गया। अब उसे निकालने की जरूरत नहीं है, वह खुद से निकल गया। अब चीजों को फिर से जैसे था वैसे करने का समय आ गया है। यह दोनों तो कैंडी में डूबकर शांति से आराम कर रहे हैं। यह पुल तो शानदार, स्वादिष्ट, सुंदर और मजेदार है। आपको मानना ही होगा कि यह साधारण पुल से बहुत बेहतर है। यह समझाना वास्तव में असंभव है कि यह कैंडी कभी खत्म नहीं होगा, यह जानकर कितनी खुशी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह खराब नहीं हो सकती। हर तरफ से टॉयलेट पेपर उड़ती हुई क्यों आ रही है? यहाँ चल क्या रहा है? सूजी ने अपने हाथ में एक रोल पकड़ा और उसे मिला। ओह, कृपया मत कहना कि ये वो है। यह तो सबसे बुरी चीज है जो वह हो सकती थी। और यह रहा वो जो इन सब शरारतों के पीछे था। बस आपकी जानकारी के लिए, उस टॉयलेट पेपर पर न्यूटेला था और वो नहीं जो आप सोच रहे थे। एंडी अंदर घुस गया और अपने स्किटल्स के काम में लग गया। चॉकलेट और भी फल के स्वाद में स्वादिष्ट। की तरह सोचता है कि सब कुछ सेटल हो गया और लड़कियां हमेशा की तरह चली गई हैं, लेकिन वह गलत नहीं हो सकता था। मुझे लगता है कि यह गंभीर लड़ाई शुरू होने वाली है। आप किसके पक्ष में हैं? एक कोने में है सूजी और दूसरे पर एंडी। दोनों जीतने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं। Let's go!
अपने सबसे गुप्त हथियार निकालने के लिए भी तैयार है और अनोखे तरीके इस्तेमाल करेंगे यह फैसला करने के लिए कि पुल हमेशा के लिए किसको मिलेगा। क्या एमा का वह करना सही है? दो बनाम एक? नहीं, यह ठीक नहीं है। लेकिन एंडी दोनों से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे जो कुछ भी हो जीत उसकी ही होगी। सूजी बहुत गुस्साई हुई है। बस बहुत हुआ, असली लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब तक तो बस बच्चों का खेल था। ओह, कोई यह सब रोको। हाँ? अरे क्यों ना पुल में जाने की अनुमति सबको दे दे। एमा की बात सुनो, उसे पता है कि वो क्या कर रही है। आखिरकार सारी लड़ाई बंद हुई और दोस्ती की जीत हुई। अब बेहतर हो ना तुम तीनों? हाँ? हम सब बहुत खुश हैं कि तुम तीनों एक बात पर सहमत हो गए। इस मजेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उस लाइक बटन को दबाना ना भूलें। अपने आइडियाज कमेंट में लिखें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे दोस्तों।